हेलो भाई, स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज कलर की जानकारी देने के लिए आई हूँ। शेड 4 मैंने अप्लाई किया था, इसके बाद मैंने स्ट्रीक्स अप्लाई किया है। स्ट्रीक्स का कलर कुछ ऐसा आया हुआ है, लॉयर काफ़ी चमकदार था। स्ट्रीक्स के बाद सॉफ्ट बाल हो गए थे। स्ट्रीक्स लगाते समय मुझे परेशानी कम हुई है, जलन कम हुई है या बिल्कुल भी नहीं हुई है। बहुत कम दिन चला है लॉयर का कलर, लॉन्ग लास्टिंग था, 2 से 2.5 महीने के लिए, और स्ट्रीक्स का 1 मंथ के लिए था। ये ट्यूब आप इसी ढक्कन से खोल सकते हैं, इसकी जानकारी दे रही हूँ। अब मैंने बहुत सारी हेना इंडिगो पाउडर अप्लाई करने के बाद मजबूर होकर ग्रे हेयर के लिए मैंने ये कलर किया हुआ था। आप कॉमेंट कीजिएगा यदि आपके पास बेस्ट ऑप्शन हैं तो, मैं उन्हें भी कलर यूज़ करके देखूँगी। इसके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे हार्मफुल मतलब दुष्परिणाम ही देखने के लिए मिलते हैं। डेवलपर इक्वल ही डालिएगा, ज़्यादा या कम मत कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। और अपनी आंखों को ज़रूर बचाइएगा, वैसलीन या ऑयल अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। गार्नियर और स्ट्रीक्स और लॉरियल तीन ही कलर मैंने अप्लाई किए हुए हैं, वो भी काफ़ी रिसर्च हर्बल रंगों से रिजल्ट ना मिल पाने के बाद मैंने इन्हें यूज़ किया है। आप भी पहले कोशिश करें यदि आपका काम हर्बल से चल जाता है, और यदि आप भी कुछ यूज़ करते हैं तो कमेंट कीजिए, और यदि आपको हेल्पफुल लगता है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। 3 ही कलर मैंने यूज़ किए हुए हैं जिनकी जानकारी इसमें दे दी गई है। गुड बाय, बाय बाय।